मुंबई में देर रात सुशांत सिंह राजपूत के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह 10 बजे तक आने की उम्मीद है, जबकि विस्टा रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में आएगी। सुशांत सिंह राजपूत ने कल बांद्रा के अपने घर में कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत और राजनेता तक सभी हैरत में पड़ गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये भी बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। सुशांत के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पटना से सुबह मुंबई के लिए रवाना होंगे। 11 बजे बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ और रिश्तेदारों के साथ मुंबई पहुंचेंगे, और उसके बाद 10 बजे दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है, क्योंकि जो सुशांत के मामा हैं उनका भी ये कहना था कि जांच होनी चाहिए। हालांकि 6 लोगों से पूछताछ भी हुई है। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं और पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, 11 बजे का वक्त है जब सुशांत के पिता जो है वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। आपके साथ शायद कोई दोस्त है सुशांत के, अगर बात हो पाए तो बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 11:10 में जो सुशांत के पिता हैं वो मुंबई के लिए निकलेंगे अपने भतीजे और उनके पत्नी के साथ। विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुशांत के साथ स्कूल में पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये बताइए कि सुशांत के इस तरह की घटना की खबर मिली, क्या मन में चल रहा था तब? जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सुना तो सबसे पहले तो हमें लगा कि ये फेक न्यूज़ है, और उसके बाद फिर घर वालों से पता किया तो पता चला कि इस तरह की घटना घट गई है। मगर सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हैं वो सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी स्कूल टाइम से भी जो थे वो काफ़ी एनर्जेटिक थे और काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते थे, तो मानने के लिए मतलब बात नहीं है कि मतलब वो सुसाइड कर सकते हैं। कब आखिरी बात और मुलाकात हुई थी आपसे? जब वो पिछले बार आए थे, मई में आए थे 2019 में, उस समय मुलाकात हुई थी। साथ में यहाँ बगल में मंदिर है, वहाँ पर साथ में पूजा भी किए थे। उसके बाद सहरसा अपने गाँव गए थे और वहाँ पर फिर क्रिकेट खेले थे, तो उस समय बात हो पाई थी, क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू कभी कभी बात हो जाती थी इंस्टाग्राम पे। बचपन में साथ में पढ़े हैं, खेले हैं, किस स्वभाव के थे सुशांत? काफ़ी हंसमुख थे और पहले बताया काफ़ी एनर्जेटिक थे, तो पढ़ने में भी अच्छे थे और उसके बाद क्रिकेट भी खेलते थे, और हम लोग के लिए तो उनका नाम गुलशन है। ऐसे लोग मतलब सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं, हम लोग कॉलोनी में गुलशन मतलब हम लोग गुलशन के नाम से जानते थे, और ये सब घर नहीं बना होता, यहाँ पे क्रिकेट फील्ड था, हम लोग यहीं पे साथ में क्रिकेट भी खेला करते थे। अभी आप गए थे उनके पिता से मिलने के लिए, क्या प्लान है, कब घर के लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी घर में कौन कौन मौजूद हैं, उनके पिता किस हालात में हैं अभी? पिताजी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, कमर में काफ़ी दर्द है और काफ़ी डिप्रेशन में है। 11:20 की फ़्लाइट है गो एयर की, साथ में नीरज सिंह और नीतू सिंह साथ में जा रहे हैं। जब आप घर में पहुँचे थे कल, जब ये खबर आई, उसके बाद घर के लोगों को क्या विश्वास हो रहा था कि अब उनका बेटा नहीं रहा? नहीं, घर के लोग क्या किसी को इस विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों के साथ अब नहीं रहे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये बिहार के लिए नहीं है, पूरे भारत देश के लिए बहुत क्षति है, काफ़ी दुखी हैं सभी लोग। तो लोग मरमाहत हैं, जैसा कि विशाल बता रहे थे, और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, वो घर पर पहुंच रहे हैं उनके पिता से मिलने के लिए। लोग हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस हालात में उनके पिता हैं। हालांकि 11:20 पर उनके पिता और जो उनके भतीजा हैं वो निकलेंगे, तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो हैं उनके घर में सब कुछ यही देख रेख करती हैं, काम करती हैं, तो जो भी आ रहा है बाहर में उनको ये घर तक लेके जा रही हैं और फिर उनके पिता से मिलवा रहे हैं। तो स्थिति जो है वो बिल्कुल जो है अभी गमगीन है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरा गम में परिवार और मोहल्ला डूबा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर आने के बाद पूरा मोहल्ला जो है कल उमड़ पड़ा था, और अभी पूरा जो घर है वो सन्नाटे में डूबा हुआ है। जो इक्का दुक्का उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके पिता से मिलने के लिए, लेकिन सबके मन में एक ही चिंता की लकीर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से हैं। अभिषेक, अंतिम संस्कार क्या मुंबई में ही होगा, कब तक होगा, कोई जानकारी?
अर्पिता देखिए, मैं इस समय मॉर्चरी पे हूँ और यहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी भी तरीके की हलचल नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि रात में पोस्टमार्टम किया गया है और उसके बाद पीएम की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है और साथ ही साथ फॉरेंसिक लैब में भी कुछ नमूने भेजे गए हैं जिससे यह आइडेंटिफाई हो सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 48 घंटे में क्या खाया, क्या पिया और किस तरीके से उनका एक्ट रहा है बीसीआरआई रिपोर्ट के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि परिवार के लोग 10, 10:30, 11 बजे धीरे धीरे आना शुरू होंगे, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि मुंबई में होगा या फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी को पटना ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर परिवार के पूरे लोग यहाँ मुंबई पहुँच पाते हैं तो यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है उसके बाद रात में यहाँ जिस तरीके का जमावड़ा था, मीडिया से लेकर कई सेलिब्रिटीज और कई दूसरे सुशांत से जुड़े दोस्त यहाँ पहुंचे थे अस्पताल के भीतर, बिल्कुल अभिषेक आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 11:20 बजे करीब बताया जा रहा है सुशांत के जो पिता हैं वो मुंबई के लिए निकलेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिसमें असीम ऊर्जा थी, क्रिकेट उनकी रगों में बसता था, लेकिन रुपये पर्दे की दुनिया के लिए उनका जुनून ऐसा था कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मुंबई के सफर पर निकल पड़े, जिसके बाद पहले